상해 파쿠라의 जब हम छोटे होते थे ना, जब कराची आते थे अपने शहर दादू से, तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते थे ना, तजस्सुस में होते यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, ये वो नए नए अच्छे अच्छे साफ साफ रोड, बड़े बड़े रास्ते देखते ना, हम तजस्सुस में आ जाते, हैरान होते यार इतने बड़े। लेकिन जब आते गए, पता चलता गया, तो फिर यूज हो गए। आज हमारा दादू से फ्रेंड आया है, उसने देखा कि एक बंदे के साथ लड़की बैठी, उसने बोला यार ये क्या तो उसने बोला यार लड़की, तो मैंने बोला भाई यहाँ भी चलता है, तो उसने बोला कि हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमने देखा ये माहौल, तो हमें पता चल गया जानी यार मेरे साथ अभी मेरा भाई है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, और ये आया है दादू से, जानी था वो था सिंधी में भरा या उर्दू में, यार ये बोल रहा है कि सिंधी में जो है ना व्लॉगर, तो मैं सिंधी में ही स्टार्ट किया, तो जानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी दोस्तों, अज असं सिवू घुम आया हूँ, तो वही मेहरबानी प्यारे दोस्त मकसूद भा जी जो असते वी आयो है, इतने ढो इतने अची कर मजो पे अचे यार वांगसु दी यार असंग छियो सीवाल ते दोस्तन के खान वियो असन अली अच्छा मंजर आया तमाम बेहतरीन मंजर है, कोनो दिलकश छै चाहे ते कोनो दिल लुभाईंदर मंजर आए, डाडो ते मजो तो आजे सुकून है हां हकीकी जे का नेचुरल ब्यूटी आए सो ते इस करे मजो तो आजे वदी जा मुकले दोस्त बुढाए ते असा जा वे पजा करे ते रिव्यू दिदा जे बारे में उनन के टूर की लगो दादा भाई के मक्सद भाई के मुकले जगह घुमाएं पे कराची में सुबह गाड़ी की हाँ सुबह गाड़ी काफ़ी जगह घूमी चुका हूँ, मतलब शाम जो टाइम है शाम जो सीव्यू बेहतरीन ये व्यू सीव्यू जो माशाल्लाह लफ्ज़ में ऐसा बयान था कर सकूँ सा लाला जो अज पेरो कदम सामने तां पेरे दफा आयो लगे ये तो पहली दफा आया हो सीवा ते पहली दफा आए पे ना लाला पेर रखी सी उते ता सामने से पेर हलंदा पानी जा तमाम पानी जा सावज रश ना है मसो लग पे है ना मान असल में ओई दे यान बीच ते ए अस सी वाल दे आया हूं यार माहौल हसने ते पी है महसूस कर सा आए वाला के तो पकड़ जियो यार परे खा आया तो कुछ यादगिर उठाने लाइस पिक्चर्स वगैरह खींचना सी पिक्चर्स वगैरह खींची कुछ माना माहौल जो थोड़ो इनहेल करना हवा जी का समुद्र जी है गुले पी जायजो वो पा दोस्तन का दोस्त इंजॉय कर जानी हे आयो हर बार दादू मां घुमण महसूस कयो ते छा रसुल कयो ते जानी हां डडो मजो आ डडो एंजॉय पे कई होई समूह चे हां समूह नी लहरो ने को आवाज यो भी एकड़ो दिल फरे भई दिल कशा है समूह ते का शायरी समूह ते एड़ी का शायरी जेन वचे पोंदी हाणे हाणे दो कशा ते गाड़ी समूह ते याद साहब समूह ते वजू आई का माना शायरी वगैरह आ तो शायर मानू आए बुधाइंदो ते जे को ना हसन अली साहब शायरी चवण चाहे चई सके तो ना नखरा तो लिखा दे असंगे मोहसिन साहब जन भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें सहरा मेरा चेहरा है तो समंदर तेरी आंखें समझ में ना आयो अबे साले
Forever's our home, they'll stay. तू वही माँ पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ पक्चोदी मुझे समझ में नहीं आ रहा। साहब जी जी शाम थींदी थी ने सूरज ग्रुप में वने तो छात खूबसूरत नजारो आए मुंडे असा काफी टाइम आया हूं मतलब नंडे लाकुर गाडी को इंदा रहा हूं पर अलाई छो एड़ी चीज जो के न छात ना अलाई कोडियो सा जंदा उनन के घट थी वई वने अडकल अलाई छो वही हुआ नहीं पर अलाई छो मतलब दादा दिन जो घट थी हुआ असा ये सब सफा समुंद किनारे ते पुता आयो लाला साहब कोडियो नि किनारे बाकायदा छोलियों अचन पे घत लाइ मधुर आवाजी आई है यार हमने यार सान लाई जेरी जाग दी शेर दिया यार चुरे पई लाला लगी भाई जेरी होने में शायद केकड़ा होता हाँ साहब तो लुटे तो अरे जेरो आ अड़े लट हाँ साहब साबे दिस अलाज कुदरत जे के अंदर उनके पेड़ थोड़े किचरो मानो इते समुद्र किनारे उछला था दिसो ना इतना किचरो यार बस यही आए इतना का जेके मानो अचन था खाइन पेंदा शयूं बस इते उछला है किचरो इते करे किनारे ते केडो ना मतलब गलत आए इते ना किचरो शराब जी बोतल शराब जो बोतल इतने मूल चला किधर साफ पान से गुड खो ना सी सी वाल से काफ़ी मूँ आन के फैमिली से आया हूँ के दोस्तों से आया हूँ के सेटिंग से आया हूँ हसन ओ लाला इन्हें सी वाल से मतलब हर मूँ जो टाइप जहाँ हूँ के फैमिली से हूँ दोस्तों से हूँ बहर से हूँ के सेटिंग से हूँ तड़े इंसान घूमो असा हिंसर अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार से पुता आयो हसन अली साहब के हाजिरी भराइन साहब घो अर्सो आया तकरीबन मैं समझा तो 2021 में लास्ट टाइम आयो वेझड़ाई में 21 में हां तकरीबन मुझे शायद मतलब हां काफी अर्सो थे सालन में जबरदस्त 6-7 साल थे आने ते हाजिरी न करा जरा गाड़ियों इन जो सीढ़ी हुई ना हां हां तदे आयो पर यको ना आयो अड दीदार चो चो मुर्शिद वली या तमाम पोतल अलाज वली है अब्दुल्ला शाह गाजी की थोड़ी हिस्ट्री आन वो मुझे बिरादर है उलमा बयान कंदा भाई के आबासियुन जो दौर हुयो त सैयदन जे मथां ॾाढा मज़ालिम लहाया वेंदा हुआ त इमाम जाफ़र साहिब जे दौर में ग़ालिबन ही सिंध में आयो भई त सिंध ऐं हिन सां गॾु काफ़ी ॿिया माण्हू आया सिंध में अची करे हिते इस्लाम जी प्रचार कई ऐं हिते अची शहीद बि थियो आहे शायदि बाक़ी
इमाम जाफर साहब जी सब नायब थी आयो आए इतने सैयदन एक सिंध जगह होंगी सभी का बेहतरीन धरती होंगी जगह अमन की धरती सजी जिमें हर मानू ला सिंध आजियाँ कहीं कि भाई अचो अस अंदर बाजार में पुछी दुकान खूबसूरत मंदिर मन मोहिंद लाला के मंदिर दिखाना पर ना मता ना किस्मत पॉलिसी हुई सिर्फ हिंदू नॉन मुस्लिम साहब अल रहमान की बिरयानी खा रही है साहब टेस्ट कर साहब जो मशीन का मकसूद बनाई है ना अस बिरयानी